हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फाई स्टडी स्टूडियो पिसिस अपार्टमेंट अकेडमी। तो आज फिर से हम लोग जुड़े हैं दोपहर 12 बजे, जहां वाई फाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे आप देखते हो रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की बात करें तो 25 सवाल। और आज क्या है 25 सवाल में वो खास सवाल, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि मैं बिल्कुल, मेरी आवाज पूरी तरीके से आपके समझ पहुंच रही है, मैं देख रहा हूं ना बिल्कुल। तो वो 25 सवाल आपके सामने ये आज देखते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं अपने लेक्चर में कि भाई, गुड आफ्टरनून गौरव, क्या हाल है भाई, कैसे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून माय डियर, गुड आफ्टरनून। और याद रखना आज 1:30 PM पे, 1:30 PM पे भी क्लास होगी आपकी। कहां पे? वाईफाई स्टडी पे, है ना, वाईफाई स्टडी पे 1:30 PM पे भी क्लास। गुड आफ्टरनून। तो जूही, खुशबू, नीलू, पवन, गौरव, विकास, शिवराम, और कौन है भाई, मनोज, अर्जित, दीपा, है ना। चलिए तो आज देखिए 25 सवाल। एक चीज, कितने बच्चे ऐसे हैं, आज लूंगी फुल क्लास, अच्छा, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जरा बताना कि कल शाम 5 बजे वाले क्लास आपने अटेंड किया था, कल शाम को जो क्लास हुई थी आपने अटेंड किया था 5 PM पे, अटेंड किया था क्या? अगर अटेंड किया होगा तो PDF डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वो मजेदार सवाल थे कल, बिल्कुल मतलब अद्भुत, पर मतलब स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे गए सवालों का कलेक्शन था, बंच था, है ना। चलिए आगे देखिए। अब देखो एक चीज याद रखना भाई, रेलवे जो प्राइस है वो हाइक होने वाला, मैं आपको इतला कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो इस वेडनेसडे को कोर्स लॉन्च हो रहा है रेलवे कैटेगरी में, समय पता ही है 9:05 पे सुबह। तो क्या पढ़ा रहे हैं, तो जो RRB NTPC CBT1 में पेपर हुआ है वो पेपर डिस्कशन है, 20 सेट है वो जबरदस्त तरीके से, ताकि आपकी समझ बढ़ेगी। इसके बाद फिर हम लोग बिल्कुल थ्योरी डिटेल करेंगे आने वाले समय में, CBT2 की बात करें या फिर बात करें ग्रुप डी की। और VC वेडनेसडे से SSC कैटेगरी में भी जो टाइमिंग उसकी 12:35 पे, तो दोनों बैच, दो बैच ज्वाइन कर रहे हैं ना, 5 PM वाली क्लास तसी, 5 बजे वाली क्लास वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे, ठीक है। अब देखो कल संडे है, संडे यानी कॉम्बेट का दिन, तो कितने बजे होता है कॉम्बेट? एवरी संडे दोपहर 12 बजे, प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे कॉम्बेट में पार्टिसिपेट जरूर करना, कोड डाल देना, इनविटेशन कोड होगा Baba10, इसके बाद बिल्कुल ज्वाइन करके जबरदस्त तरीके से, ठीक है, ताकि कॉम्बेट में पार्टिसिपेट करें और वो फायदा उठाए जो 1 ईयर SSC प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी लोकेटेड। कहता IFSCA का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारत में गांधीनगर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव। सवाल नंबर 1 बताइए भाई, सवाल नंबर 1 क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की बात करें तो उसका मुख्यालय कहां है? गांधीनगर। हैदराबाद ना जाएंगे, हैदराबाद तो पक्का नहीं जाएंगे हम, आजाद गांधीनगर गए, जो भैया गांधीनगर गए, जो संसदीय क्षेत्र किनका, तो गृह मंत्री अमित शाह का। हैदराबाद जाओगे ओवैसी मिलेंगे, तो गांधीनगर जाओ जो साबरमती नदी के किनारे है, जहां अमित शाह मिलेंगे, है ना, अमित शाह मिलेंगे। अब जरा सा कमेंट बॉक्स में बताना पुणे किस नदी के किनारे है, पुणे किस नदी के किनारे है भाई। पुणे किस नदी किनारे
बताओ बताओ। देखो पवन ने बता दिया, मुठा रिवर, मुला मुठा रिवर कहते हैं और हैदराबाद मूसी रिवर। मुला मुठा रिवर कहते हैं बच्चे पुणे, मुला मुठा रिवर क्या बोलेंगे, मुला मुठा रिवर, ठीक है याद रखना बिल्कुल। आगे देखिए, तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की बात करें, कि स्थापना वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में देश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को रेगुलेट करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण के रूप में की थी। इसका मुख्यालय गुजरात है गांधीनगर में, देख रहे हो। इसकी स्थापना एक साल पहले हुआ है, इसकी स्थापना एक साल पहले अप्रैल 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, आसान सवाल जरा बता दो, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है भाई, डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें तो बहुत आसान सवाल भाई, जी सतीश रेड्डी, जबकि के सीवन किसके हैं, इसरो के, के सीवन किसके भाई, इसरो के, के सीवन किसके, इसरो के सीवन किसके भाई, इसरो के सीवन, है ना। नेक्स्ट, आरबीआई ने भारत में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को पकड़ने के लिए डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स डीपीआई लॉन्च किया है, तो इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में कितने पैरामीटर रखे गए हैं, 10, 7, 4, 5, सवाल नंबर 3, 1 कर्मन अवार्ड, बिल्कुल जल्दी, कितने पैरामीटर रखा गया है। तो आरबीआई ने भारत में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को कैश करने के लिए, अगर आप पैरामीटर की बात करोगे, इंडेक्स की बात करोगे, तो 5 कितने रखेंगे पैरामीटर, 5 पैरामीटर हैं, कितने पैरामीटर, कितने पैरामीटर हैं, 5 पैरामीटर रखे गए। तो आरबीआई ने पूरे देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को पकड़ने के लिए डीपीआई लॉन्च किया है, और इस डीपीआई इंडेक्स में 5 व्यापक पैरामीटर है, 5 व्यापक पैरामीटर है। किस देश को IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, भारत, मलेशिया, चीन, जापान, सवाल नंबर 4। बताओ, प्लेलिस्ट बच्चा, प्लेलिस्ट तो लगा हुआ है। तो किस देश को IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वो कौन है, भारत, कौन है भाई, इंडिया, भारत। भारत को नवंबर 2023 तक की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो नवंबर 2023 तक। अच्छा, ये हमें लगता है कि क्लास करते करते कोई लड़ाई भी करता है आपस में, यहां जवाब भी देते हैं, वहां राइवलरी चलते रहती है, बिल्कुल कहीं ऐसा ना हो कि भारत छोड़ो आंदोलन चल जाए, तुम है ना, चंपारण सत्याग्रह चलने दो छोटा वाला। साल जंगलों का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र कहां पाया जाता है, देहरादून घाटी, नीलगिरी हिल्स, अरावली या पूर्वी प्रायद्वीप, सवाल नंबर 5। देख रहे हो लड़ने में मजा आता है, मतलब क्या ही बोलूं यार, बताओ क्या ही, क्या बोलूं, लड़ने में मजा आता है, बताओ, झोटा झोटी करो। ईस्टर्न पेनिनसुला पूर्वीय प्रायद्वीप में, अगर साल की बात करें तो ये स्टेट स्टेट ट्री है झारखंड का, साल स्टेट ट्री झारखंड के राजकीय वृक्ष है, कहां देखने को मिलेगा, पूर्वी प्रायद्वीप, और अरावली सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट रेंजेज, सबसे पुरानी श्रृंखला। नीलगिरी की बात करें तो ये तमिलनाडु चला जाएगा, कहां पे, तमिलनाडु चला जाएगा, है ना, हाँ, एलिफेंट एनिमल,
ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूआई यूएई यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात। 19 सितंबर को जेपीएससी प्री है, जिनका भी पेपर है भाई तोड़ के आना बिल्कुल। बताओ बताओ जल्दी बताओ, संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, अबू धाबी, यूएई की राजधानी कहां? अबू धाबी। अरे और इससे आसान उम्मीद क्या करते हो बताओ, ये अभी तो आईपीएल होना है आपका सितंबर में आईपीएल होना है और क्या चाहिए बताओ। ऐसे सवाल, निम्नलिखित में से कौन जर्मन एयरलाइंस है? लुफ्थांसा, ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइन, एरोफ्लोट या कैथे पैसिफिक। याद रखना, इस बार सीबीटी वन में जो पेपर हुआ है, मैं आपने देखा होगा या फिर मेरे डिस्कशन में, ऐसे ऐसे सवाल एक आध क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो ये पता है क्यों ऐसा होता है कि जब किसी पार्टिकुलर टाइम में उस देश की एयरलाइंस से कुछ सवाल बनते हैं यानी चर्चा में रहता है, तभी ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो कौन जर्मन एयरलाइन है? लुफ्थांसा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए? कौन है भाई? लुफ्थांसा, है ना। बहुत कम तापमान के उत्पादन, नियंत्रण और अनुप्रयोगों से निपटने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स, आइकोनोग्राफी, ऑस्ट्रोलॉजी, एथोलॉजी। सवाल नंबर 8। क्या होगा? क्रायोजेनिक, बिल्कुल धीमी। तो बहुत कम तापमान से उत्पादन, नियंत्रण, अनुप्रयोगों से निपटने वाले विज्ञान को हम क्रायोजेनिक कहते हैं। जितने भी सैटेलाइट होते हैं हमारे ना, वो बिल्कुल क्रायोजेनिक इंजन पे काम करते हैं क्या? अगर हाँ तो दिखाना था मुझे सर बिल्कुल। ऑस्ट्रोलॉजी, यह अस्थि विज्ञान है भैया, हड्डियों के अध्ययन को, बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बोन्स। और आइकोनोग्राफी, छोटे छोटे आइकन जो आपको दिखते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, वो आइकन है ना। लनिस्त्री एक उच्च उपज बीज है जो किसकी किस्म है? चावल, गेहूं, मूंगफली, मटर। सवाल नंबर 9। चलिए हंटर गेमिंग की जय, मुझे बता दो क्या होगा? एक ही मैसेज करते हो इसलिए टाइम आउट होता है। एक ही मैसेज करते हो इसलिए टाइम आउट हो जाता है। एक ही मैसेज ना करो बिल्कुल। चावल। अच्छा एक चीज बताना माय डियर, कि चावल की सबसे ज्यादा खेती विश्व में कहां होती है? चावल की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन विश्व में कौन करता है? चावल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है? किस विश्व में कौन सा देश करता है? तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां और कौन करेगा? कोरोना, चाइना और भारत में वेस्ट बंगाल। भारत में वेस्ट बंगाल है ना। और धान का कटोरा छत्तीसगढ़। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक है नेक्स्ट। मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। सवाल नंबर 10। मणिपुर इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो ये कहां पे? मणिपुर, म्यांमार, भूटान, नेपाल। ये दोनों की बात करें तो सिक्किम, पाकिस्तान की बात करें तो चार राज्य, पंगू राज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, है ना। नेपाल की बात करें तो 5 राज्य, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, याद रख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या इटली की मुद्रा है? डॉलर, सिलिंग, रियाल, यूरो। सवाल नंबर 11। इटली की करेंसी क्या होगी? यूरो। इटली की करेंसी यूरो। क्या होगा? इटली की करेंसी है ना यूरो।
भारतीय रेलवे का निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र या संस्थान कपूरथला में स्थित है? व्हील और एक्सल प्लांट, रेल परिवहन संस्थान, रेल कोच फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इटली की गंगा किसे बोलते हैं? गंगा ऑफ इटली किसे बोलते हैं? गंगा ऑफ इटली, चलिए गंगा ऑफ इटली किसे कहते हैं? तो भाई कपूरथला कहां पे? ये पंजाब में है। रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री। अच्छा, व्हील और एक्सल प्लांट की बात करें, ये छपरा में है क्या? व्हील और एक्सल प्लांट छपरा में है क्या? पोन नदी, क्या बात है, बहुत शानदार। धीरज ने जवाब दे दिया, टेक्निकल भाई साहब ने जवाब दे दिया, मंजू ने भी जवाब दे दिया, है ना? तो व्हील और एक्सल प्लांट की बात करें वो छपरा में, ठीक है। सितारा देवी किस नृत्य शैली का एक, कितनी शैली? अच्छा, नृत्यांगना है, क्या लिखते हो भाई, नृत्यांगना। सितारा देवी बच्चे निम्नलिखित में किस नृत्य शैली का एक नृत्यांगना है? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। सवाल नंबर 13, देख रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे हिंदी है गूगल की। तो किसकी नृत्यांगना है भाई? कथक। किसकी नृत्यांगना है? कथक। कथक कहां जाएगा? यूपी। ओडिशा कहां जाएगा? ओडिसी, ओडिशा। कुचिपुड़ी कहां जाएगा? आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम कहां जाएगा? तमिलनाडु। और कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों कहां? केरल। और मणिपुरी, मणिपुर, सतारिया, असम। सतारिया, असम, ठीक है। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? दमन और दीव को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान, नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 14। सतारिया मणिपुर नहीं भाई, उत्सव सतारिया असम, सतारिया असम, ठीक है। तो क्या होगा भाई? 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? देखो, 8 डिग्री मामी, 9 डिग्री लामी, मतलब 8 डिग्री मालदीव को मिनी क्वाई से, 8 डिग्री मालदीव को मिनी क्वाई से, और 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनी क्वाई से, लक्षद्वीप को मिनी क्वाई। और लक्षद्वीप में, अब लक्षद्वीप में रख दो कवरती, कह तो कह दो, कोई दिक्कत थोड़े, है ना? तो याद रखना, जबकि 9 डिग्री किधर है? 9 डिग्री की बात करें तो ये वेस्ट है, और ये जितने देख रहे हो सब कहां है? ये दमन दीव को छोड़ के ये कहां जाएगा? सब ईस्ट में जाएगा, सब ईस्ट में जाएगा, है ना? और 10 डिग्री चैनल कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? जल्दी 10 डिग्री चैनल बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मिनिक्वाई और मालदीव को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मुख्य लक्षद्वीप और मिनिक्वाई को अलग करता है, जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगर अंडमान निकोबार को भी अगर डिफाइन करें थोड़ा सा और, तो साउथ अंडमान, साउथ अंडमान और कार निकोबार, और कार निकोबार, कार निकोबार, नहीं सॉरी, लिटिल अंडमान बच्चे, एक मिनट रुकना, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, माफी चाहेंगे, है ना? लिटिल अंडमान, साउथ नहीं, लिटिल अंडमान, है ना? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, एक्सट्रीमली सॉरी, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, ये कौन? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान को कार निकोबार, छोटा अंडमान को कार निकोबार से आगे। लिखित अभिलेखों का अध्ययन
और उनके प्रमाणिकता के रूप में हम जानते हैं उसे हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी, साइटोलॉजी, क्रोनोलॉजी या लेक्सोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी लिखित अभिलेखों का अध्ययन और उनकी प्रमाणिकता के बारे में क्या कहा जाता है, क्रोनोलॉजी। काल क्या बोलता है, काल है। देखो लिखित अभिलेखों का अध्ययन और उनकी प्रमाणिकता के बारे की बात करें क्या होगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जरा बताइएगा, सही है क्या ऑप्शन नंबर सही, क्रोनोलॉजी। दूध के घनत्व को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है, प्योमीटर, सेलिनोमीटर, टैरोमीटर, सेलिनोमीटर, लैक्टोमीटर या कैलोरीमीटर। सवाल नंबर 16 सेल, क्या बात, कोशिका है ना। तो दूध के घनत्व की बात करें तो लैक्टोमीटर, और पैरोमीटर क्या होगा कि लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए हम पैरोमीटर का यूज करते हैं। जैसे सूर्य का तापमान अगर हम मापेंगे तो पैरोमीटर का यूज करेंगे, पैरोमीटर का यूज करेंगे है ना। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का स्रोत नहीं है, आलू, मैंगो, नींबू, गाजर। सवाल नंबर 17 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 17 हाँ, वेरी हाई टेम्परेचर क्या हो, तो कैरेट क्या, ये ए जिसमें कैरोटीन पाए जाते हैं, जिसकी कमी से क्या होगा रतौंधी, जबकि आलू में विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट भी है, आम में विटामिन सी, नींबू में तो विटामिन सी भर के कूच के भरा हुआ, कूट के भरा हुआ। जापान की संसद को हम किस नाम से जानते हैं, डायट, सोरा, फेडरल असेंबली, सीनेट। सवाल नंबर 18 द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज नोन एज, जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं, डायट, सोरा, फेडरल असेंबली, सीनेट। क्वेश्चन नंबर 18 तो क्या कहते हैं हम, डायट, सोरा अफगानिस्तान, और सीनेट ये अपर हाउस होगा किसका, तो कांग्रेस यानी यूएसए, यूएसए के अपर हाउस है ये सीनेट, और यूएसए के लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव ठीक है, और उसके संसद को कांग्रेस बोलते हैं, उसके संसद को कांग्रेस बोलते ठीक है। काजल जी तुलनात्मक रूप से देखिएगा तो बहुत कम, जैसे अभी आपने देखा कि आलू में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन सवाल क्या था कि किसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है ना। बता तो दिया सोरा कहां की, अफगानिस्तान की, बता तो दिया सोरा, क्यों शोर मचा रहे हो इतना। सऊदी अरब की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, डॉलर, रियाल, दिनार, क्रोनर। सवाल नंबर 19 बता, सोरा बताएं फिर भी शोर मचा रहे हो। तो सऊदी अरब की मुद्रा की बात करें क्या होगा, रियाल, और ईरान की नई करेंसी का नाम क्या है, ईरान की न्यू करेंसी का नाम क्या है, टोमन, क्या है, टोमन है ना। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में अधिकतम मात्रा में क्या पाई जाती है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में अधिकतम मात्रा में क्या पाए जाते हैं, एल्युमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो क्या पाए जाते हैं बच्चे, मैक्सिमम मात्रा में फास्फोरस। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में अधिकतम मात्रा में आपको क्या देखने को मिलेगा,
फास्फोरस देखने को मिलेगा। तो व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस दोनों में अगर रिएक्टिव की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? व्हाइट फास्फोरस। लेकिन ये जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, जलना शुरू करता है, इसीलिए हम पानी में रखते हैं, इसीलिए हम इसे पानी में रखते हैं, या हमारे किसमें बोन्स में पाए जाते हैं। और रेड फास्फोरस की बात करें तो ये किसमें? मैच बॉक्स में, मैच बॉक्स ये वाली होती है मैच बॉक्स, देखो कवर जो मैच बॉक्स में, माचिस में नहीं है ना। किस मुगल शासक ने साक्षर होने के बावजूद 49 वर्ष तक शासन किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, सवाल नंबर 21, बताइए क्या होगा? सवाल पढ़ना फिर गलत मत करना। देखो भाई अकबर वाले जरा जवाब बदल लो, लिखा है साक्षर होने के बावजूद, ये नहीं लिखा है इलिटरेट, निरक्षर होने के बावजूद लिखा है क्या? निरक्षर होता तब ना अकबर लगाते आप, तो पढ़ा लिखा था औरंगजेब, और ये भी 49 साल, ये भी 49 साल, इसलिए आप गलती कर बैठे, इसीलिए आप गलती कर बैठे, समझ गए? क्योंकि अकबर की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 में, ये भी 49 साल, लेकिन ये इलिटरेट है। और औरंगजेब की बात करें तो 1658 से लेकर 1707 तक, ये भी 49 साल। अब क्या कहेंगे, गलती जिनका हुआ है? सर क्वेश्चन ठीक से नहीं देखे, क्वेश्चन हम ठीक से नहीं पढ़े, तो किसने रोका था? पढ़िए ना, पढ़ने के लिए तो है, इतनी बड़ी बड़ी लिखी हुई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, कहां जाना है, कहां जाना बताओ? किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, सवाल नंबर 22। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची है? तो क्या होगा? जहांगीर, है ना, जहांगीर काल में और शाहजहां के काल में स्थापत्य कला। और अकबर के काल में हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट। तो जहांगीर शासनकाल में ये उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। इसके समय में अबुल हसन एक प्रमुख चित्रकार था, ठीक है। कौन मुगल भारत में फसलों के संबंध में जिनसे एक कामिल शब्द का सही अर्थ बताता है? धान की फसल, नकदी फसल, मोटे फसल, या शुष्क क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल, सवाल नंबर 23। तो कौन बताता भाई? नकदी फसल को क्या कहा जाता था? जिन्स ए कामिल, जिन्स ए कामिल, नकदी फसल को, कैश क्रॉप को, ठीक है। तो मुगल राज्य ने किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू, आखिर क्यों टैक्स दे, तो कपास और गन्ने ऐसी फसलें जिनसे कामिल बराबर थी। तो कपास भी क्या है? नकदी फसल, कैश क्रॉप है, गन्ना भी कैश क्रॉप है, नकदी फसल है। नेक्स्ट, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, क्वेश्चन नंबर 24। तो अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना जहांगीर के मदद से कब? 1608 में, 1608 में सूरत में लगाया, 1608 में, ठीक है। 1613 में जहांगीर ने सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी किया। ठीक है, 1608 में लिख गया, पहले लगाया लेकिन बंद हो गया 1611 में, और फिर 1613 में अनुमति दिया। तो 1608 में लगाया, बंद हो गया, और फिर 1613 में अनुमति मिला, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। ना ना ना, 1608 में लगाया ही लगाया, लेकिन 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाया, और 1611 में ये बंद हो गया, और फिर 1613 में इसे अनुमति मिली, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, प्रयाग शहर का नाम इलाहाबाद, अल्लाह का शहर किसके द्वारा रखा गया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, सवाल नंबर 25।
तो अल्लाह का शहर नाम किसने रखा? अकबर ने रखा। इलाहाबाद का स्थापना किसने किया? अकबर ने किया। इलाहाबाद किला किसने बनाया? अकबर ने बनाया। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। चलिए अब जिनको जहां जाना है जा सकते हो, ताले बजा सकते हो। कल संडे है, तो संडे है तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। किस पे? कॉम्बेट पे। कोड डाल देना रेफरल कोड बाबा टेन। ठीक है भाई, इस बुधवार को एसएससी और रेलवे दोनों में एक बैच आ रहे हैं, तो हमारे साथ रेलवे में अगर आपका एम रेलवे है या अगर एसएससी है तो एसएससी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड डालकर, क्या कोड डालेंगे? बाबा टेन कोड डाल। ठीक है, बिल्कुल बहुत फायदा होगा ज्वाइन करने से बच्चे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, 10% का रिबेट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर 1:30 PM पे, किसमें? वाईफाई स्टडी पे। तब तक के लिए शुक्रिया।